बिना वजह स्कैंडल में फंस के रह गए। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसे छोटे मोटे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें दिलावर को नीचा दिखाने की पड़ी। बाबा बख्तू हमारा मुलाजिम नहीं है, हमारी साख क्यों मुतासिर होगी? क्यों मुतासिर होगी? हमारे घर में वाकया पेश आया है और हमारे दामन पर धब्बा लगा हुआ है। बख्तू मुजरिम है, यह भी अभी तक साबित नहीं हुआ। बाबा सबने अपनी आंखों से देखा है। बच्चों जैसी बातें मत करो, यहां आंखों देखा कौन मानता है? यहां जो नजर आता है हकीकत में कुछ और होता है, इसी बात का तो डर है मुझे। हाँ सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी तक तो मामला संभला हुआ है और किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। हाँ मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, नूरा और कुलसूम के गम में घुलने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल कम है जो हम दूसरों के मसाइल को हल करते थे। आप इस हद तक गिर जाएंगे। एम्बुलेंस को फोन करो। अरे पख्तू पकड़ो उसको जाके। तुम ठीक कहती हो माँ। लेकिन मैं जब भी कोई बेबस और मजबूर लड़की देखती हूँ तो मुझे बाजी नसीमा याद आ जाती है। उसका जुए में हार जाना याद आ जाता है। बेचारी नूरा याद आ जाती है। वो कर्ज उतारने को वो अपनी जान से जा रही है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता, सब किस्मतों के खेल होते हैं और हम अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं।